गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गुड़गांव का देसी छोरा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बोल, इसका पेपर है और इसको पढ़ाई करा रही हूँ मैं। सुबह के बज रहे 6 और इसके पेपर की रिवीजन करा रही हूँ। कल भी कराया था, आज भी करा रही हूँ। सुबह सुबह कराती हूँ तो सही पेपर होता है। वैसे तो रात को भी पढ़ता है, फिर एक बार सुबह भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलो कर, EVS की निकाल ले। चलो फिर मैं स्कूल भेज के फिर बात करती हूँ। सुबह के बज रहे 10 और ये मैंने नाश्ता अपने लिए बनाया है। इलायची और अदरक का दूध है, बेसन का चीला है और ये डेट मिक्सचर है। तो ये खा रही हूँ मैं। और यहाँ पर चीकू जो है बैठा हुआ है, टैब देख रहा है। हाय करो, चीकू यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी सफाई कर रही है ममता बाहर। तो मैं, अब शाम के बज रहे हैं 5 और मैं माता के लिए प्रसाद बना रही हूँ। आटे का हलवा, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा फेमस है, आटे का हलवा, वो बना रही हूँ मैं। सबकी पसंद यही है। तो यहाँ पे मैंने आटे का हलवा आटा अच्छी तरह भून लिया है। और इसको फिर अब मैं, यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया दूसरा वाला, और यहाँ पे मैं इसको छान लूँगी अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह छानने के बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी। और यहाँ पर फ्राई पैन दूसरा वाला रख दिया मैंने, और इसके अंदर चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और किसी चम्मच की हेल्प से, क्योंकि आटा गर्म है तो चम्मच से अच्छी तरह चीनी को मिक्स कर लूँगी मैं इसमें। जितना भी अंदाज़ा हमें चीनी डालनी है उतनी। और मैं अब इस फ्राई पैन में घी डालूँगी, क्योंकि आटे का हलवा प्रॉपर घी से, इसमें अच्छा घी होना चाहिए, अच्छा खासा। थोड़े जो घी से आटे का हलवा में स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। तो इसीलिए आटे के हलवे में बिल्कुल भी लालच ना करें, घी बराबर डालें अच्छी मात्रा में। ठीक है, अब ये अच्छी तरह हमें जो, इसको थोड़ा सा सिम कर लेना, क्योंकि आटा जलने का डर होता है और घी एकदम से गर्म हो जाता है। तो इसमें हम, मैंने घी डाल दिया है, और घी जब गर्म हो जाए तो इसमें अंदाज़ा कर लो, क्योंकि मैं बहुत घी डालती हूँ। आटे के हलवे में घी अच्छा खासा डलता है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो गया, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो अब जो मैंने आटे में चीनी मिक्स कर रखी थी ना, मैं उसको लेकर इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और जो गैस है वो बिल्कुल मंदा रखना है, कम पे ही डालना है एकदम से, नहीं तो जल जाएगा। अच्छी तरह मिक्स हो गया, मेरे को लगा घी कम है, मैंने और घी डाल दिया इसमें। मैंने कम से कम, आप देख रहे हो, मैंने कम से कम 4 से 5 चम्मच भर भर के घी डाला है, इतना घी डलता है। और उसके बाद जब बन जाता है ना, उसके बाद ऊपर से भी डाल के खाते हैं घी, इतना घी खाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चूरमा हो चाहे आटे का हलवा हो। और एक गैस पे मैंने इसके लिए पानी गर्म कर रखा, उबाल रखा है, जो कि गर्म पानी ही ऊपर से डालना है। और इसको अच्छी तरह चलाते रहे, प्रॉपर चलाते रहे, जैसे जैसे पानी डालें, क्योंकि मैंने जल्दी से कैमरा रोक दिया था, नहीं तो हलवा ख़राब हो जाता। तो मैंने रोक के जल्दी जल्दी चलाना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बनना है देखो आटे का हलवा। और अब मैं इसको डालूँगी देखो, और अभी इसके ऊपर से घी डाल के खाओ और क्या टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ माता के मंदिर में, माता को स्नान कराने। तो ये है काली माता, देखो कितने सारे नींबू की माला। और जब मैंने उतारे थे ना, मेरे से उतरे भी नहीं थे, इतना वजन हो रहा था इनमें। तो मैंने फिर हेल्प ली जब उतरवाई ये। तो ये है काली माता, और अभी दिखाती हूँ। ये है, यहाँ पर दिखाती हूँ देखो, ये है मसानी माता। अभी हम इनको स्नान कराएंगे। ठीक है, ये देखो अभी हमने गेट लगा दिया है, और बस हम इनको हम स्नान कराएंगे। तो करा दिया है अब हमने स्नान, और देखो कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। और ये है मसानी माता। ठीक है, अब हमने इनको स्नान करा दिया है, और अब देखना अभी जब गेट खुलेगा ना, कितनी तेज़ भीड़ आएगी उभर के एकदम से। गेट बंद रहता है ना, और जब हम गेट खोलते हैं ना, इतनी तेज़ भीड़ आती है। अभी देखना भीड़ कैसे आएगी एकदम से ही, देखते रहना। अभी गेट खुल रहा है, अभी ये देखो, ये उमड़ी एकदम से भीड़, इतने लोग बाहर खड़े थे गेट बंद पे, क्योंकि यार जब हम स्नान कराते ना, ये सब गेट में खड़े ही रहते हैं।
ये है लहसुन, मैं अभी ममता को निला कर आई हूँ। और ममता ने ममता मम्मी और बच्चे गए हुए हैं आशु दीदी के घर, आशु दीदी को देख रहे हैं, उनको ऑपरेशन हुआ था। दिव्या ने करा मसाला तैयार, चिकन आया है और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन साग में डाल के बनाऊँगी चिकन, जो कि हमारा सबका फेवरेट है, छोड़ के विशाल को। ठीक है, ये चावल है, हमारे घर में हमेशा बिहारियों की तरह चावल मिलते हैं। सब्जी देखो, दोपहर में जब मिक्स वेज बनी थी अभी तक ऐसी रखी है, मैंने सोचा नहीं बनाऊंगी, पर मम्मी साग दे गई थी, मैं इसलिए बना रही हूँ। कहीं मम्मी कहे कि क्यों नहीं बनाया, दूध आके रखा हुआ है, उबलेगा अभी। चलो जब बनाऊंगी, जब इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने तेल में जो है प्याज और चिकन डाल दिया फ्राई होने के लिए, साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। दिव्या ने पीसा मसाला, क्या है, लहसुन अदरक हरी मिर्च साबुत गर्म मसाला। अब ये मसाला अच्छी तरह पक गया है इसका, तो अभी मैं इसमें डालूंगी हल्दी, नमक, मिर्च। नमक तो डाल दिया, हल्दी और मिर्च। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चावल, जीरे वाले नमक के चावल। ये चावल भी मैं नए तरीके से बनाऊंगी, और वो भी मैं दिखाऊंगी कि जो जीरे वाले नमक के चावल होते हैं उसको हम और नए तरीके से कैसे बना सकते हैं, जो कि टेस्टी लगे बिना सब्जी के। इसमें मैंने डाल दिया हल्दी और मिर्च, जैसे जिसको खानी हो, जैसे कि जितना, मतलब कोई तेज खाता कोई कम खाता, हमारे घर में तेज मसाले खाते हैं। और फिर इसको अच्छी तरह चला दें, ठीक है। और इसके अंदर पानी की जगह, पानी नहीं डालना, पानी की जगह ये डालना टमाटर की प्यूरी, ठीक है, हमने टमाटर पीसे थे। और इसमें मसाला पकाना है, ठीक है। हाँ, मेरे पैसे देखना, मैं गरीब आदमी चिल्लर लाई, मेरे गोलगप्पे वाला रोका है, पहले कितने लाए तो 30, मैंने 50 के करवाए हैं। अच्छा, 20 रुपये और ढूंढने पड़ेंगे। नीचे गोलगप्पे वाला भैया खड़ा है, ठीक है, हम गोलगप्पे खाएंगे, आज कोई नहीं है, सन्नाटा है। काकुल कहेगी अच्छा मम्मी, तो हमने जो गोलगप्पे बनवाया ना, वो देखना कितने अच्छे बना के देते हैं अंकल, ठीक है, आप ही गोलगप्पे दिखाएंगे। आ गए गोलगप्पे, देखो कितने अच्छे बना के देते हैं अंकल, ये देखो, ये हम तीनों की पार्टनरशिप हुई है। कोमल पानी लेने भागी, अंकल चलेगा और वो लोटा लेके भागी पानी लेने। ये ज़्यादा ये हमारे दोनों के हैं, ये कोमल के हैं। ऐसे ना इंसाफी मत कर कोमल, वो लेकर आई नीचे जाके पानी पी लेंगे, गिलास मुँह में पानी आ रहा है देख कर ही, ठीक है। चावल के लिए मैंने रहा पानी नहीं, गोलगप्पे पानी नहीं तो गोलगप्पे किस काम के। ये मैं चावलों के लिए तेल डाल दिया मैंने, ये हो गया तेल। इसके अंदर डालना है सबसे पहले जीरा, बिल्कुल सिंपल चावल बना रही हूँ मैं ये, जैसे कि कुछ ना हो तो। जीरा डाला, जीरा डालते ही तुरंत ही डाल दो चावल, ठीक है। अब इसके अंदर ये चला दो थोड़े से, फिर इसके अंदर डाल दो नमक और इसको फिर चला दो। और इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए टमाटर, लहसुन और एक दो हरी मिर्च पीस कर इसकी प्योरी से डाल दो, सॉरी ये लाएगा इसमें टेस्ट, ठीक है। और इसको एक दो मिनट पकाओ इसी तरह, अब ये अच्छी तरह मसाला ये पक गया टमाटर के, इसके अंदर डाल दो पानी, इसी कटोरी को करके मिला दो और पानी डाल दो। जिसको थोड़े थोड़े खड़े से चावल खाने हैं वो जितना पानी डालना है, वैसे थोड़े से लटपटे चावल अच्छे लगते हैं, मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी फालतू। ये है, ये हो गया और चिकन, देखो अभी इसमें हल्का हल्का पानी है, अभी इसको थोड़ा पानी को पकाना है, वो भी खुला ढक्कन नहीं लगाना, ढक्कन लगाऊंगी तो और पसाव आएगा इसमें पानी का, ठीक है। ये हो रहा है बच्चों का दूध, क्या डाल के, हल्दी ना,
कच्ची हल्दी डाल के बच्चों का दूध उबाल रखा है, जैसे सर्दी हो रही है ठंड ना लगे बच्चों को। बन गई है सब्जी, ये रहा सब्जी का फाइनल लुक। पापा को खाना दे दिया है, चावल दिख रही हो कैसे, देखो ये है चावल, अच्छे लग रहे हैं। चले थोड़े से चम्मच से धुआ उठ पकड़ के गर्म है। ये देखो ये है चावल, देखो ये देखो, खाने में भी अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर लाई रोटी, अभी पापा को रोटी दी, अभी रोटी बना रहे। कोमल, ये जब मैं माता को नहलाने गई थी ना, तो वहाँ पर ये कोठरी में कोने पे रखा हुआ था डब्बा, तो फिर मैंने विशाल को फ़ोन करके मंगाया क्योंकि मैं लाना भूल गई थी। तो यह है रसमलाई का डब्बा, जो कि मुझे लगा था कि माता पर चढ़ा है, तो मैंने बोला माता पे प्रसाद चढ़ाए ले आओ। और फिर बाद में जब रात को अनूप आए तो अनूप ने बोला कि मैं खरीद कर लाया था और मैंने माता की कोठरी में रख दिया था। तो बाद में ये खुलासा हुआ कि ये अनूप खरीद कर लाए थे और हम सोच रहे थे कि ये माता पे प्रसाद चढ़ाए। तो मैंने और दिव्या ने बच्चों, मतलब कि बच्चे तो थे नहीं, आशु दीदी के जा रहे थे।